Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, give reason for the following. Distilled water does not conduct electricity but rain water does. तो इस question में हमसे पूछा गया है कि distilled water electricity conduct नहीं करता है but rain water electricity conduct करता है और हमें इसके लिए reason specify करना है. अब देखिए, जो हमारे पास distilled water होता है वो एक pure form of water होता है. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, राइट. इसके अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं होता, या हम कह सकते हैं इट हैज नो आयंस प्रेजेंट इन इट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए. बट जो रेन वाटर होता है, अगर हम रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर के अंदर काफ़ी सॉल्ट्स और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब पानी के अलावा सॉल्ट्स और एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस करते हैं आयंस, विच प्रोड्यूसेस आयंस. अब इसके अंदर आयंस है सो ऑब्वियसली इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो मैं वन लाइन आंसर में इसलिए लिख सकती हूँ कि डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर possess no ions in it. Distilled water के अंदर कोई ions नहीं होते. That's all the explanation to the question. Thank you.